बात करूं तो प्री के पेपर में इसका एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है, मतलब हर शिफ्ट में सवाल नहीं आएगा, एक शिफ्ट छोड़ के दूसरी तीसरी शिफ्ट में इसका सवाल देखने को मिलता है, बहुत ही आसान और लो लेवल का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और पहले जब 50 क्वेश्चन आते थे पेपर में, 50 क्वेश्चन का पेपर होता था, तो आपको एक सवाल जरूर देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में इसका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। लेकिन अगर मेंस की बात करें तो मेंस के पेपर में आपको हाइट एंड डिस्टेंस कम से भी कम दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, दो सवाल जरूर आते हैं, तीन सवाल भी आते हैं, कभी कभी तीन सवाल भी आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है जिसको बेसिक थोड़ा सा भी आता है, लेकिन ये मैटर नहीं करता है कि आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, मैटर ये करता है कि आप कितने समय में हाइट एंड डिस्टेंस के जो इजी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर ले रहे हो। मतलब अगर पेपर में तीन सवाल आ रहे हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको एक डेढ़ मिनट लगना चाहिए उन तीनों सवाल को पढ़ने में, उनका डायग्राम बनाने में, उनका सॉल्यूशन करने में, उनको टिक करने में और आगे बढ़ने में। एक से डेढ़ मिनट में आपके तीनों के तीनों सवाल सॉल्व हो जाने चाहिए, तब आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अदरवाइज सॉल्व करना हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पेपर में हमेशा से बहुत ही आसान लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं, अभी तक एक भी टफ क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछा गया, नहीं क्वेश्चन इस पे बनते हैं। वैसे आप अगर सीबीएसई बोर्ड की या यूपी बोर्ड की बुक्स देखेंगे तो उसमें आपको काफी बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, प्रूफ भी मिल जाएंगे, लेकिन वो सब क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, पेपर में सिंपल साधारण से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं पूरा डिस्कस करूंगा आपको, मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी डाले हैं, और जो क्वेश्चन अभी तक पेपर में नहीं आए हाइट एंड डिस्टेंस के और वो आ सकते हैं एग्जाम में, उनको भी अपनी शीट में डाला है, ठीक है। चलिए, तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने से पहले आपको दो तीन टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होता है दो एंगल्स, एक होता है एलिवेशन एंगल और एक होता है आपका डिप्रेशन एंगल। एलिवेशन एंगल मतलब उन्नयन कोण और डिप्रेशन एंगल मतलब अवनमन कोण, वैसे तो सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा। चलिए, शुरू करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होता है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है, इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना, ये हॉरिजॉन्टल, ये प्लेन समतल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कैसे लिखेंगे क्षैतिज को, यस इस तरीके से लिखेंगे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, क्लियर है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा। दूसरा होता है इसके जस्ट 90 डिग्री के एंगल पे, इसके जस्ट 90 डिग्री के एंगल पे, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी कह सकते हो, 90 डिग्री के एंगल पे, तो ये हो जाएगी आपकी वर्टिकल लाइन। ये क्या है भाई आपकी, ये है वर्टिकल लाइन, या हिंदी में बोलते हैं इसको ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, क्लियर है, कुड आउट हिंदी में बोलते हैं हम इसको ऊर्ध्वाधर रेखा। ये तो सिंपल सी बात है, सभी को पता है, ठीक है। नाउ, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, कोई भी सामान है, हम उसको देखते हैं, हम अपनी आंख की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आंख होगी सपोज, ठीक है, कैसे ऐसे बना देता हूं मैं, ठीक है ना, ये हमारी सपोज आंख होगी, क्लियर है, समझ में, और ये हो गई आंख की सीध में, ये होगी आंख की सीध, या फिर इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर है, क्षैतिज रेखा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब दो केस हो सकते हैं, अगर हम अपनी आंख की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं तो दो तीन केस हो सकते हैं, एक तो कि ऑब्जेक्ट जस्ट हमारी आंख के सामने हो, लाइक दैट, ऑब्जेक्ट जस्ट हमारी आंख के सामने हो जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट तो आपका फिर यहां पे हो जाएगा इस लाइन पे। दूसरा केस में क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट आपकी आंख के ऊपर हो, लाइक दैट, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये है आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से यहां पे, क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट आपकी आंख की सीध के ऊपर है तो उस ऑब्जेक्ट और इस आई को मिलाने वाली लाइन के बीच में, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बीच में ये जो एंगल बनता है थीटा, आप समझे, आंख की सीध और इस ऑब्जेक्ट और आंख को मिलाने वाली लाइन के बीच में ये जो एंगल बनता है थीटा, इस एंगल थीटा को बोलते हैं हम एलिवेशन एंगल। क्या बोलते हैं हम इसको, एलिवेशन एंगल या फिर उन्नयन कोण, ये एलिवेशन एंगल है या फिर इसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ये तो सभी को पता है, ये आपका एलिवेशन एंगल है या फिर उन्नयन कोण है, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। दूसरी बात, कभी कभी वो वर्ड यूज करता है लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, तो हमेशा ऑब्जेक्ट और आंख, ऑब्जेक्ट और आंख को मिलाने वाली ये जो लाइन होती है इसको हम लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट भी इसको हम कहते हैं, या फिर हिंदी में कह देते हैं इसको दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, क्लियर है भाई, इतनी सी बात तो सभी को समझ में आती है, तो ये दृष्टि रेखा हो गया, आंख, आंख की सीध, ये होगी आंख की सीध एकदम, ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो ऑब्जेक्ट और आपको मिलाने वाली लाइन और ये आंख की सीध वाली लाइन में जो ये जो एंगल बनता है थीटा, ये एलिवेशन एंगल होता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल से देखते हैं एंगल को, और ये ऑब्जेक्ट और आंख को मिलाने वाली जो लाइन होती है इसको लाइन ऑफ साइट या फिर दृष्टि रेखा भी बोलते हैं, इतना तो सभी स्टूडेंट को पता है। दूसरी बात क्या है, डिप्रेशन एंगल, दूसरी बात है डिप्रेशन एंगल, सपोज ये आपके एक ऑब्जर्वर की आई है, ये आपके ऑब्जर्वर की आई होगी, ठीक है, इस तरीके से ऑब्जर्वर की आंख होगी, और ये होगी आंख की सीध, ये हो गया आपकी आंख की सीध, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, सिंपल सी बात है ना, तो सिंपल सी बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जर्वर हो गया दर्शक, ठीक है, ये आपके ऑब्जर्वर की आई होगी या फिर दर्शक, क्लियर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ है, मतलब यहां पर इस तरीके से, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका
आंख की सीध के नीचे है। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं इस तरीके से, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में ये जो एंगल बनता है अल्फा, ये जो एंगल बनता है अल्फा, ये होता है आपका डिप्रेशन एंगल। ये एंगल होता है भाई आपका डिप्रेशन एंगल, DEPRESSION, डिप्रेशन एंगल, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको अवनमन कोण। हिंदी में बोलते हैं इसको अवनमन कोण। क्लियर है भाई, कोई डाउट है? हिंदी में बोलते हैं इसको अवनमन कोण। क्लियर है? आंख की सीध और ऑब्जेक्ट और आंख को मिलाने वाली इस लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, ये होता है आपका डिप्रेशन एंगल या फिर अवनमन कोण। सो बहुत ही आसान है, सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। चलिए अब जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे सपोज ये आपकी एक मीनार या आपकी बिल्डिंग है, या आपकी बिल्डिंग हो गई और ये आपका टावर हो गया, ये आपका टावर हो गया। क्लियर है? ये आपकी बिल्डिंग हो गई, दिस इज बिल्डिंग, और ये आपका टावर हो गया, ये आपका टावर है टी। क्लियर है? नाउ अब गौर से देखना, ये हो गया टावर का टॉप, ये हो गया बिल्डिंग का टॉप, बिल्डिंग का टॉप। अब बिल्डिंग के टॉप पे कोई ऑब्जर्वर है, वो टावर के टॉप को देखता है और डिप्रेशन एंगल थीटा बनता है, तो डिप्रेशन एंगल क्या, यही थीटा होगा ना, यही डिप्रेशन एंगल थीटा होगा। कोई डाउट है? सभी को समझ में आया? गौर से देखना, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि बिल्डिंग के टॉप पे कोई ऑब्जर्वर है और वो आपके टावर के टॉप को देखता है, तो डिप्रेशन एंगल थीटा बनता है, तो ये एंगल ही आपका थीटा होगा, दिस एंगल ही आपका थीटा होगा, डिप्रेशन एंगल। ओके, चाहे एलिवेशन एंगल की बात करें, चाहे डिप्रेशन एंगल की बात करें, वो हमेशा ही आपके हॉरिजॉन्टल से मेजर किए जाते हैं, वर्टिकल लाइन से नहीं। क्लियर है? तो ये एंगल थीटा बनेगा। पर जब हम क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करेंगे, तो इस एंगल थीटा को ऐसे यूज ना करके, अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं, इस लाइन के पैरेलल, तो ये एंगल थीटा, तो अल्टरनेट एंगल, ये एंगल भी थीटा होगा, हम इस एंगल को भी थीटा ही कहेंगे, ये एंगल भी आपका डिप्रेशन एंगल के बराबर होगा थीटा। सो हम कैलकुलेशन पर्पस से इस एंगल थीटा और इस एंगल थीटा को बराबर मानकर यहां पे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? वो आपको क्वेश्चंस में पता लग जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसके हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल कोई भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है, बहुत ही आसान होते हैं। आपने 9वीं 10वीं में पढ़े भी होंगे, उसमें क्या करते थे कि बढ़िया से डायग्राम बनाते थे, टेंजेंट साइन कॉस लेके पूरा बढ़िया से कैलकुलेट करते थे। वैसा यहां पे नहीं करना है, आप कंप्लीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बस एक चीज करनी है कि आपको एक सिंपल सा डायग्राम बनाना है। प्लीज डायग्राम जरूर बनाए, ज्यादा हवाबाजी में ना आए कि आप दिमाग में सॉल्व कर लें, डायग्राम बनाए और उसके बाद सीधा सा आपको आंसर लिख देना है। मतलब आपको यहां पे लेंथ के रेशियो का यूज करना है, ना कि ट्रिग्नोमेट्री का। आपको लेंथ रेशियो पता होनी चाहिए। आपके क्वेश्चंस में जो एंगल यूज होंगे वो नॉर्मली 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अभी तक जो सवाल आते थे 2-3 साल पहले तक, उसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, बस यही एंगल इंक्लूड होते थे। पर अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसमें 15 डिग्री और 75 डिग्री ये एंगल भी यूज होते हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसा ट्रेंड भी आएगा कि 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, ये सब एंगल भी शायद आपके एग्जाम में देखने को मिले। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनको ज्यादा बनाने पड़ेंगे। इतनी सी बात सभी को समझ आती है। तो अगर मैं सारे के सारे देखो, हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी सवाल में राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, ज्योमेट्री भी लगा सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर मैं लेंथ रेशियो याद कर लूं हर एक ट्रायंगल के लिए, अगर मुझे पता हो, तो मैं बिना किसी कैलकुलेशन के डायरेक्ट आंसर लिख पाऊंगा। तो मेरा जो पर्पस है आपको यहां पे सिखाने का, वो रेशियोज के टर्म में हर एक राइट एंगल ट्रायंगल के लेंथ रेशियो को बताना है पहले, ठीक है, जिससे कि आप क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर पाओ। सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन 3 सवाल जो मेंस के पेपर में आने हैं उनको 1 मिनट में सॉल्व करना वो बड़ी बात है, ठीक है। चलिए तो गौर से देखना है, कोई भी इसको स्किप ना करे, ठीक है। चलिए अब जैसे सपोज ध्यान से देखना, आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल सभी को पता होगा, मैंने इस पे बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन कराए, 30 60 90 राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ये सपोज आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, और ये पॉइंट आपका सी है, और ये एंगल भाई आपका 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। तो सपोज ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया, ये एंगल आपका 30 डिग्री है, और ये एंगल आपको फिर ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? सिंपल सी बात, तो 30 90 60 ट्रायंगल आपके पेपर में यूज होता है आपके क्वेश्चंस में। सो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, तो अगर इसमें टेंजेंट लगाऊं, टेंजेंट 30 लगाऊं, तो टेंजेंट इस एंगल 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बीसी, और ये बेस कितना हो जाएगा आपका एबी, परपेंडिकुलर बटा बेस। लेकिन टेंजेंट 30 डिग्री तो 1/√3 होता है, तो टेंजेंट 30 डिग्री तो 1/√3 होता है। क्लियर सी बात है? यानी कि बीसी से एबी का रेशियो कितना आ गया, 1:√3। यानी कि अगर बीसी की लेंथ 1 यूनिट है, तो एबी की लेंथ √3 यूनिट होगी। कहने का मतलब है, अगर बीसी की लेंथ आपकी 1 यूनिट है, तो एबी की लेंथ फिर आपकी √3 यूनिट होगी, √3 यूनिट होगी। क्लियर है? और पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये 1 यूनिट है, ये √3 है, तो 3+1=4 का √90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस फिर कितना होगा आपका, 2 यूनिट। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी समझाई है, कितना होगा, 2 यूनिट। सो अगर आपको यहां पे कोई भी लेंथ आपको दे देता है, तो आपसे कोई भी लेंथ पूछे, अगर आपको ये रेशियो पता है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 30 डिग्री, देखो बड़े वाले एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी, और छोटे वाले एंगल के सामने की साइड छोटी, तो सबसे छोटा एंगल 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 यूनिट आएगा, 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 यूनिट आएगा, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट, और 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ा 2 यूनिट होता है। क्लियर है? तो जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है 30 60 90, क्लियर है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस 100 मीटर है, ये डिस्टेंस आपकी 100 मीटर, मुझे ये डिस्टेंस बताइए, ये कितना होगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुरंत समझना कि 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट के लिए 100 दे रखी है, तो यहां पे 30 डिग्री के सामने फिर 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगी, 50 मीटर।
30 डिग्री के सामने एक यूनिट के लिए कितनी हो जाएगी 50 मीटर। तो देखिए कितनी आसानी से बता दिया आपने, सिंपल सी बात है, क्लियर है। सपोज मैं आपसे ये पूछूं कि अगर ये डिस्टेंस आपकी 15 मीटर है तो ये डिस्टेंस बताइए, तो 30 के सामने 15 है तो 60 के सामने रूट थ्री टाइम्स, यानी कि कितना हो जाएगा 15 अंडर रूट थ्री मीटर। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि 60 डिग्री के सामने की ये डिस्टेंस आपकी 25 मीटर है तो ये 90 डिग्री के सामने ये कितना होगा, तो गौर से देखना कि अगर 60 डिग्री के सामने 25 मीटर है यानी कि रूट थ्री यूनिट के लिए 25 मीटर है तो एक यूनिट के लिए 30 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा 25 बटे रूट थ्री मीटर, 25/√3 मीटर। 90 डिग्री के सामने दो यूनिट के लिए 25 × 50/√3 मीटर, सो ये आ जाएगा 50/√3 मीटर। इस तरीके से आप कोई भी सवाल बना सकते हो, क्लियर है, सिंपल सी बात है, बहुत ही ज्यादा आसान है। नाउ अब गौर से देखना, आपको दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल भी याद होगा, ठीक है, मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाए हैं सारी की सारी चीजें ज्योमेट्री में, जितना मैंने करा दिया वो पत्थर की लकीर है। आने वाले 10 साल तक या 20 साल तक सवाल ऊपर नहीं जाएगा, चाहे सबसे कितना भी लेवल बढ़ा ले, नहीं जाएगा उसी से, क्योंकि मैंने सब कुछ कराया है उसमें, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री, क्लियर है, दिस एंगल इज 90। अब 30, 60, 90 तो हो गया, दूसरा आसान सा राइट एंगल ट्रायंगल केस है, ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दैट मींस कैसा ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। सो अगर 45 डिग्री भी 45 डिग्री तो दोनों साइड बराबर होंगी, दोनों साइड बराबर होंगी। सपोज ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आपका आर हो जाएगा। सो अगर ये लेंथ आपकी पी क्यू 1 यूनिट है तो ये लेंथ क्यू आर ये भी आपकी 1 यूनिट ही होगी, और 90 डिग्री के सामने ये लेंथ फिर आपकी कितनी हो जाएगी √2 यूनिट। पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा √2 यूनिट। क्लियर है, कोई डाउट है तो सिंपल सी बात है। तो इसमें भी आपको कोई भी लेंथ दे देगा और कोई भी लेंथ आपसे पूछ लेगा, सिंपल सा है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब इंपॉर्टेंट समझना। देखिए इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस बात को अगर मैं रेशियो के टर्म में लिखना चाहूं तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं कि 30, 60, 90, 30, 60, 90 ट्रायंगल है तो 30 के सामने क्या होता है आपका 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने होता है √3 यूनिट और 90 डिग्री के सामने होता है 2 यूनिट, ये रेशियो चलता है। क्लियर है, कोई डाउट? अगर मैं इसी बात को लिखना चाहूं तो यहां पे 45 और 90 ट्रायंगल है ये, तो 45 के सामने होता है 1 यूनिट, 45 के सामने होता है 1 यूनिट और 90 डिग्री के सामने होता है √2 यूनिट। सो 1:1:√2, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? सिंपल सी बात। नाउ आगे बढ़ेंगे और जो चीज अब फैशन में, जो ट्रेंड में, जिसमें साल बनने चाहिए और बन रहे हैं वो समझेंगे, 15, 75, 90 ट्रायंगल, 15 डिग्री, 75 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। क्लियर है, तो इस ट्रायंगल के केस में आपको 3-3 बार रेशियो याद करना पड़ेगा। क्लियर है, एक से काम नहीं चलेगा और करना पड़ेगा ही भाई। चलिए जैसे कि सपोज मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है, इसमें ये एंगल आपका 90 डिग्री है और ये एंगल आपका 15 डिग्री है, ये एंगल आपका 15 डिग्री है, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज आपका ये हो गया ए बी सी, तो ऑटोमेटिकली फिर ये एंगल कितने का हो जाएगा, 75 डिग्री का हो जाएगा, 75 डिग्री। क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में 10, 15 डिग्री लगाऊं, 10, 15 डिग्री, 10, 15 डिग्री लगाऊं, तो टेंजेंट थीटा बराबर परपेंडिकुलर बी सी बटे बेस ए बी, तो बी सी बाई ए बी आ जाएगा, बी सी बाई ए बी आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? लेकिन 10, 15 डिग्री तो मैंने आपको याद कराया कि 10, 15 डिग्री होता है √3 − 1 / √3 + 1, 10, 15 डिग्री मैंने याद कराया, देखो 10, 15 डिग्री छोटा तो √3 − 1 / √3 + 1, 10, 75 डिग्री बड़ा तो √3 + 1 / √3 − 1, इसका रेसिप्रोकल। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना। तो अगर मैं यहां से देखूं कि BC से AB का रेशियो ये है, तो BC की वैल्यू क्या है, अगर BC की वैल्यू √3 − 1 यूनिट है, अगर BC की वैल्यू √3 − 1 यूनिट है तो फिर AB की वैल्यू कितनी होगी, AB की वैल्यू होगी √3 + 1 यूनिट, ये रेशियो आ गया BC से AB का √3 + 1 यूनिट। क्लियर है, सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है। अगर पाइथागोरस थ्योरम में यहां पे लगाऊं तो √3 − 1 √3 + 1 4 + 4 = 8, 8 √2 √2, सो 90 डिग्री के सामने ये लेंथ हो जाएगी आपकी √2 यूनिट, ये लेंथ हो जाएगी आपकी। क्लियर है, इतनी बात तो सिंपल सी है, बहुत आसान है, 2√2 यूनिट। क्लियर है भाई, सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब अगर मैं कभी देखो, तीन तरीके से आपको ये ट्रायंगल याद करना पड़ेगा, आपको कोई भी लेंथ देगा, कुछ भी लेंथ पूछ लेगा, ठीक है। अगर मैं इसी ट्रायंगल को दोबारा से बनाऊं, गौर से देखना, गौर से इसी ट्रायंगल को बना रहा हूं मैं दोबारा से, ये हो गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री का, दिस एंगल इज 15 डिग्री, ये एंगल आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा 75 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 75 डिग्री। क्लियर है ना, ये ABC है, ये आपका ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर मैं यहां पे सारे लेंथ रेशियो को डिवाइड कर देता हूं किससे, √3 − 1 से, अगर मैं √3 − 1 से डिवाइड कर दूं, सो √3 − 1 / √3 − 1 ये कितना हो जाएगा आपका 1 यूनिट हो जाएगा, और यहां पे 75 डिग्री के सामने क्या √3 + 1, इसको भी √3 − 1 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा √3 + 1 / √3 − 1 यूनिट, यहां पे इसको डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा √2 / √3 − 1 यूनिट, ये हो जाएगा।
क्लियर है? इतनी सी बात है, सभी को समझ में आती है ना? गौर से देखना, ये रूट थ्री प्लस वन बटे रूट थ्री माइनस वन एक्चुअली में टेन पचहत्तर है। क्या ये टेन पचहत्तर डिग्री है? तो टेन पचहत्तर डिग्री रूट थ्री प्लस वन बटे रूट थ्री माइनस वन कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा आपका टू प्लस रूट थ्री यूनिट। यानी कि अगर पंद्रह डिग्री के सामने वन है तो पचहत्तर डिग्री के सामने बड़ी साइड टू प्लस रूट थ्री यूनिट होगा। पचहत्तर डिग्री के सामने बड़ी साइड टू प्लस रूट थ्री यूनिट होगा। पचहत्तर डिग्री के सामने लार्जेस्ट साइड टू प्लस रूट थ्री यूनिट होगा, बड़ी साइड लार्जर साइड। नाइन डिग्री के सामने देखो क्या लिखा हुआ है, टू रूट टू बटे रूट थ्री माइनस वन। सो अगर ऊपर नीचे रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री प्लस वन टू हो जाएगा, दो से दो कट जाएगा। सो दो से दो कट जाएगा। अगर मैं इसी बात को फिर से दिखाना चाहता हूं, राइट राइट एंगल ट्रायंगल, कि मैंने मैंने राइट राइट एंगल ट्रायंगल बनाया सम सम कोण से, ठीक है फिर से, और ये भैया भैया ये मैंने अपनी जाने का ये राइट राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये है आपका लगभग 15 डिग्री से इसमें से बंद है, ये एंगल ऑफ इसका लिखा है 5 हो जाए जिससे ये सिंगल स्पेक्ट बनेगा। क्लियर क्लियर डाउट डाउट इसमें नाउ नाउ अगर अगर मैं डिवाइड डिवाइड करूं तो रूट थ्री प्लस वन यूनिट से, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में प्रत्येक लेंथ को रूट थ्री प्लस वन यूनिट से डिवाइड कर दूंगा तो रेशियो तो अभी भी सेम आएगा ना साइड्स का, यहां पे डिवाइड कर दोगे तो रूट थ्री प्लस वन बटे रूट थ्री प्लस वन ये कितना हो जाएगा आपका एक यूनिट हो जाएगा, ये आपका वन यूनिट हो जाएगा, और यहां पे ये कितना हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन बटे रूट थ्री प्लस वन यूनिट। क्लियर है भाई? और 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, रूट थ्री प्लस वन से डिवाइड कर रहे हो आप, टू रूट टू बटे रूट थ्री प्लस वन यूनिट, टू रूट टू बटे रूट थ्री प्लस वन यूनिट। क्लियर ना? अब गौर से देखना ये क्या है, रूट थ्री माइनस वन बटे रूट थ्री प्लस वन एक्चुअली 75 10 15 डिग्री है, 10 15 डिग्री की वैल्यू है, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस रूट थ्री यूनिट हो जाएगा, 2 माइनस रूट थ्री यूनिट हो जाएगा। यानी कि अगर 75 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 15 डिग्री के सामने छोटी वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री यूनिट होती है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? सिंपल सी बात, 90 डिग्री के सामने 2 रूट 2 बटे रूट थ्री प्लस वन, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट रूट थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। ये जो लेंथ आएगी ना आपकी ये आएगी रूट 2 इंटू रूट थ्री माइनस वन यूनिट, अंडर रूट दो इंटू अंडर रूट तीन माइनस वन यूनिट। देखिए याद कैसे रखेंगे कि रूट टू इंटू रूट थ्री प्लस वन, अंडर रूट टू इंटू रूट थ्री माइनस वन, ये तो आ नहीं, अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ भी माइनस आएगा, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट थ्री माइनस वन यूनिट। क्लियर है? तो ये आपका रेशियो है 15 75 90 ट्रायंगल में, याद करना मैंने आपको बता दिया। अगर ये दोनों नहीं याद कर पाते तो फर्स्ट ट्रायंगल याद रख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ेंगे। अब देखेंगे पेपर में कुछ मोस्ट रिपीटेड पैटर्न है, बहुत सारे सवाल उस पैटर्न पर रिपीट हुए हैं, ठीक, तो उन रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चंस को भी आपको समझना है। क्लियर है? गौर से देखिए कि पेपर में तीन चार ट्रायंगल आपके सबसे ज्यादा आते हैं, और अगर मैं उन ट्रायंगल पे पेपर में क्वेश्चन आए, अगर आपको ये तरीका पता है जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं, तो आपको मात्र 2 से 3 सेकंड लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है? गौर से देखना, आपने पहले भी इस पे सवाल किए होंगे पर इस तरीके से नहीं किए होंगे। सपोज ये एक बिल्डिंग है, सपोज ये एक बिल्डिंग है, तो इस तरीके से हो गया बिल्डिंग। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये हो गया आपका बिल्डिंग, मैं खूब बड़ा सा डायग्राम बनाता हूं, दिक्कत क्या है, मैंने ये बनाया डायग्राम, ये हो गया आपका बिल्डिंग। क्लियर है? इस तरीके से हो गया बिल्डिंग, समझ में आया सभी को? और ये हो गया बिल्डिंग का टॉप, उस पे आपकी हीरोइन खड़ी है, ये हो गया बिल्डिंग का टॉप। क्लियर है? और आप बेचारे यहां पे हो बिल्डिंग के बेस लाइन में, ये बिल्डिंग के बेस लाइन में, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल पर, आप ग्राउंड लेवल पर हो, ठीक है? तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल आपका फिर कितने डिग्री का, ये एंगल आपका 90 डिग्री का, ये ग्राउंड लेवल हो गया। अब आप क्या कर रहे हो कि ग्राउंड लेवल पे एक कोई पॉइंट है, उस पॉइंट ए से आप अपनी हीरोइन को इस तरीके से देख रहे हो, ये आप हो और ये जैसे ताड़ रहे हो बुरी तरीके से, ये हो गया। क्लियर है? और ये एंगल हो गया आपका कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो ये एंगल भाई आपका 30 डिग्री का। क्लियर है? सिंपल सी बात है, रिपीटेड पैटर्न में से। अब क्या हुआ कि आपने क्या किया, आपको अच्छे से देखना था अपनी मैडम को, तो आप कुछ दूरी आगे की तरफ चले, कुछ दूरी आगे की तरफ चलने के बाद आपको गार्ड ने यहां पे रुक दिया पॉइंट बी पे, आप यहां पे रुके पॉइंट बी पे, यहां पे आ गए। अब क्या किया कि आप पॉइंट बी से अपनी मैडम को फिर से देखने लगे इस तरीके से ऊपर की तरफ। क्लियर है? गुड आउट। और इस बार आपका जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री से कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। क्लियर है भाई? कोई डाउट है? सिंपल सी बात है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो इस बात को दो तरीके से बोला जा सकता है, गौर से समझना, दो तरीके से कैसे, तो अभी लैंग्वेज समझे कि आप किसी बिल्डिंग के ऊपर किसी पर्सन को देख रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं 30 डिग्री के एलिवेशन एंगल पर, कुछ दूरी बिल्डिंग की ओर चलने के बाद एलिवेशन एंगल क्या हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है, एक लैंग्वेज तो ये होगी। दूसरी लैंग्वेज क्या हो सकती है, दूसरी लैंग्वेज ये हो सकती है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो 60 डिग्री के एलिवेशन एंगल पर, और बिल्डिंग से कुछ दूरी दूर जाने के बाद किसी निश्चित बिंदु ए से एलिवेशन एंगल 30 डिग्री हो जाता है। क्लियर है? या फिर क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है तीसरे तरीके से कि पॉइंट बी से ए की तरफ जाने पर, पॉइंट बी से ए की तरफ कुछ दूरी जाने पर, या ए से बी की तरफ कुछ दूरी जाने पर एलिवेशन एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री चेंज हो गया। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ कुछ दूरी चलने पर, 10 20 15 कुछ दूरी चलने पर एलिवेशन एंगल 30 से 60 डिग्री हो गया, ऐसे भी बोल सकता है। आपको तीन तरीके से लैंग्वेज बोली जा सकती है, ठीक है ना? अगर आपको इस टाइप के सवाल को, इस डायग्राम के सवाल को चुटकियों में सॉल्व करना है तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट मैं इसको बांध लेता हूं कि आपका सपोज पॉइंट सी है और ये पॉइंट आपका डी है। क्लियर है? तो
तो देखिए ये बिल्डिंग के पास जो है, बिल्डिंग के पास वाली जो ग्राउंड लेवल पे डिस्टेंस है, बिल्डिंग के पास वाली जो ग्राउंड लेवल पे डिस्टेंस है ना पीसी, इसको हमेशा एक यूनिट मान लीजिए, इसको हमेशा वन यूनिट मान लीजिए, बड़ी सुविधा रहेगी, इसको वन यूनिट एज्यूम कर लीजिए। बिल्डिंग के पास वाली जो डिस्टेंस है इसको वन यूनिट मान लीजिए, बहुत सुविधा रहेगी। लेट्स से दिस इज वन यूनिट, इसको मैंने वन यूनिट मान लिया, क्लियर है, कोई डाउट इसमें ना। छोटे वाले ट्रायंगल पे फोकस कीजिए, छोटे वाले ट्रायंगल में सपोज ये 60 है तो ये एंगल 30 रहा होगा, 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने ये डिस्टेंस कितनी होगी फिर आपकी, अंडर रूट 3 यूनिट। 60 डिग्री के सामने ये डिस्टेंस कितनी होगी फिर आपकी, अंडर रूट 3 यूनिट। छोटे वाले ट्रायंगल में 30 60 90 ट्रायंगल है तो 30 के सामने 1 तो 60 के सामने रूट 3 यूनिट, क्लियर है, कोई डाउट नाउ। अब बड़े वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, अब बड़े वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, बड़े वाले ट्रायंगल में 30 डिग्री के सामने रूट 3 यूनिट है, 30 के सामने रूट 3 यूनिट है तो ये 60 डिग्री के सामने ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के सामने रूट 3 का भी रूट 3 टाइम्स, रूट 3 का भी रूट 3 टाइम्स यानी कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा, रूट 3 का भी रूट 3 टाइम्स यानी कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा, क्लियर है। सो ये कंप्लीट डिस्टेंस यहां से आता है 3 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट है तो ए से बी तक फिर कितना बचा, 2 यूनिट। ए से बी तक कितना बचा आपका, 2 यूनिट। ए से बी तक की जो लेंथ होगी वो आपकी 2 यूनिट होगी, 2 यूनिट, क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे सारी की सारी लेंथ में रेशियो बता दिया आपको। अब आपको कोई भी लेंथ देके, कोई भी लेंथ पूछ सकता है आपको, बिल्डिंग की लंबाई देके ये डिस्टेंस पूछ सकता है आपको, ये डिस्टेंस देके ये पूछ सकता है, ये डिस्टेंस देके ये पूछ सकता है, डजंट मैटर, कुछ ही पूछ ले आपको, लेंथ रेशियो पता आप आसानी से सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। ये आपका एक फिक्स्ड पैटर्न था, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक और बताना चाहूंगा मैं आपको, गौर से देख रहा हूं, 30 60 हम कंसीडर कर चुके हैं, सपोज फिर से देखते हैं, ये आपकी एक बिल्डिंग है, ये आपकी एक बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग पे यहां पे है सारा अली खान, ठीक है। चलिए अब ये ग्राउंड लेवल पे बिल्डिंग के, ये ग्राउंड लेवल पे यहां पे ये होगी ग्राउंड पे लाइन, ठीक है ना। चलिए और यहां पे सपोज कोई पॉइंट ए है, ये हो गया पॉइंट ए, क्लियर है, सभी को बात सुने। और पॉइंट ए से आप ऑब्जेक्ट को इस तरीके से देखते हो, ये हो गया कितने के एलिवेशन एंगल पे, 30 डिग्री के एलिवेशन एंगल पे, 30 डिग्री के एलिवेशन एंगल पे, कोई दिक्कत इसमें किसी को, ये तो सिंपल सी बात है, दिक्कत क्यों होगी, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि पॉइंट ए से दूसरी ग्राउंड लेवल, तो ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। सपोज ये आपका पॉइंट ए है, पॉइंट ए से इस ऑब्जेक्ट का एलिवेशन एंगल यहां पे इस वक्त जो है ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, क्लियर है, 45 डिग्री। नाउ अब कुछ दूरी बिल्डिंग की ओर चलने के बाद आप यहां से आगे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आगे, अब पॉइंट बी से ये जो एलिवेशन एंगल है ये 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है, 45 डिग्री से 60 डिग्री चेंज हो जाता है, क्लियर। अब आपको लेंथ रेशियो निकालना है, क्या लेंथ रेशियो रहा होगा, मैंने क्या बोला कि बिल्डिंग के पास वाली जो ग्राउंड लेवल पर डिस्टेंस है इसको हमेशा 1 यूनिट मान लीजिए, सो लेट्स से दिस इज 1 यूनिट, ये क्या है आपका, ये 1 यूनिट है यहां से यहां तक, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। नाउ बहुत सिंपल सी बात है, अब छोटे वाले ट्रायंगल में देखो ये 30 है, 30 के सामने 1 तो 60 के सामने ये कितना हो जाएगा, रूट 3 यूनिट, 60 के सामने ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई आपका, रूट 3 यूनिट, क्लियर है, सिंपल सी बात। नाउ अब बड़े वाले ट्रायंगल में ऑब्जर्व करो, 45 डिग्री के सामने रूट 3 यूनिट है तो ये भी 45 है, सो 45 डिग्री के सामने यहां से यहां तक ये डिस्टेंस ही कितनी आएगी, ये भी आपकी अंडर रूट 3 यूनिट आ जाएगी, क्लियर है, यहां से आता है अंडर रूट 3 यूनिट, ठीक। अब ए से सी तक अंडर रूट 3 यूनिट है, बी से 1 यूनिट है, तो ए से बी तक ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट 3 माइनस 1 यूनिट,
क्लियर है। तो यहां ये आपको 2 की -1 यूनिट आए, अब क्या करेगा आपको कोई भी लेंथ दे देगा और इसमें से कोई भी आपसे पूछ लेगा, क्लियर है। तो सिंपल सा सवाल यहां पे बन सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपके रटे रटाए पैटर्न थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। एक बात और पता होनी चाहिए, कहीं कहीं पे इसका यूज होता है, वो कभी ऐसे बोल देता है कि कोई बिल्डिंग कोई ऑब्जेक्ट कोई मीनार कोई टावर, कोई बिल्डिंग कोई ऑब्जेक्ट कोई मीनार कोई टावर किसी ऑब्जर्वर की आई पे, किसी ऑब्जर्वर की आई पे थीटा एंगल बनाता है, थीटा कुछ भी हो तो ये हमारा सपोज टावर बिल्डिंग मीनार कुछ ही बोल दे, ऑब्जर्वर की आई पे ये एंगल बनाने का मतलब ये कि इसका बॉटम पॉइंट इसका टॉप मोस्ट पॉइंट उसको यदि यहां पे आप इस तरीके से मिलाओगे तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल आपका थीटा होगा, ये जो एंगल बनेगा ये एंगल आपका थीटा होगा, क्लियर। इस टाइप से मतलब होता है कोई बिल्डिंग कोई टावर यदि पूरा कोई ऑब्जर्वर की यहां पे जो एंगल बनाता है तो इस तरीके से ये एंगल थीटा होगा, क्लियर है। इतनी सी बात समझ में आती है। अब देखिए कभी कभी वो ये भी यूज करता है वर्ड की सपोज ये कोई गुब्बारा है, हवा में भी हो सकता है, जमीन से बंधा हुआ भी हो सकता है, कोई गुब्बारा है। अब कोई गुब्बारा किसी ऑब्जर्वर की आई पे, ये आपको ऑब्जर्वर की आंख होगी, ऑब्जर्वर की आंख पे थीटा एंगल बनाता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप यहां से ये अगर टेंजेंशियल पॉइंट ले, ये हो गया और यहां से ये टेंजेंशियल पॉइंट होगा, मतलब जैसे टच करती हुई लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहां पे ये जो एंगल बनेगा टेंजेंट लाइन द्वारा ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा, दोनों टेंजेंशियल लाइन के बीच में थीटा, क्योंकि ऑब्जर्वर जो इतना हिस्सा गुब्बारे का देख पाएगा इस तरफ वाला ये विजिबल नहीं होगा ऑब्जर्वर को, क्लियर है। तो ये एंगल थीटा बनेगा, ये सेंटर को होगा, जाहिर सी बात है ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री रखा होगा और यहां पर आप कैलकुलेशन करना शुरू कर दोगे। ये 2-3 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सा आपको अगर आसान सा फ्री में जो सवाल आएगा वो 30-60-45 ट्रायंगल पाएगा, मींस में जो क्वेश्चन है वो आपको घुमा फिरा के कई तरीके से